बहुत सारे घरों में आपने देखा होगा कि सुबह सुबह भिगोया हुआ बादाम दिया जाता है सबको, बच्चे बूढ़े सब खाते हैं इसे। और इसके बेनिफिट्स क्या होते हैं, किस उम्र से इसे दिया जा सकता है, दिन में कितना खाना बेहतर है, और बेनिफिट्स के अलावा इसे सुबह सुबह क्यों खाया जाता है, भिगो के ही क्यों खाया जाता है, और हर रोज़ इसे खा सकते हैं क्या, ऐसे सारे प्रश्नों के उत्तर इस वीडियो में आपको मिलेंगे। चलिए शुरू करते हैं आज का सिंपल सा वीडियो। सबसे पहले बादाम के बेनिफिट्स मैं बता दूं, इसमें बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं जैसे मैग्नीशियम, विटामिन ई, डाइट्री फाइबर, और ये बच्चों के स्पेशली डाइजेस्टिव सिस्टम को ठीक ठाक रखने में मदद करता है, उनके हार्ट हेल्दी रखने में मदद करता है, सबके मतलब जो भी खाते हैं उनके स्किन हेल्दी रखने में मदद करता है, हेल्दी फैट है, और एनर्जाइज रखने में, मतलब इतना खेलते कूदते हैं बच्चे तो उनको एनर्जाइज रखने के लिए अच्छा सा हेल्दी सा अगर खाना हम बात करें तो बादाम नंबर वन आ सकता है। और भिगो के ही इसे क्यों खाया जाता है, आप देखिएगा बहुत सारे दाल हम भिगो के ही खाते हैं, हमारे पूर्वजों ने ये सिस्टम ही बना रखा है क्योंकि उन्हें पता था जब भिगोते हैं हम कोई दाल या कोई भी आइटम तो वो अच्छी तरह से हमारे बॉडी में अब्जॉर्ब हो सकता है उसके न्यूट्रिएंट्स। तो अभी जैसे कि इसमें 5% का प्रोटीन है, तो 5% का पूरा प्रोटीन हमारे देह में अब्जॉर्ब होने के लिए सोकिंग बेनिफिट करता है भिगोना, और इसीलिए बादाम को जब भिगोएं तो बेनिफिट ज़्यादा मिलते हैं। और दूसरा रीज़न ये है कि बादाम के ऊपर जो छिलका रहता है उसमें टैनिन रहता है जो अब्सॉर्प्शन में, जैसे हमने कहा देह के अंदर जो भी अब्सॉर्ब होना चाहिए उसमें ये बाधा डालता है, और इसीलिए इसका छिलका निकालना ज़रूरी है। और जब भिगोएं आप इसे 6 से 8 घंटे या ओवरनाइट भिगोएं तो छिलका निकालना आसान हो जाता है। और इसे किस उम्र से दिया जा सकता है, 8 महीने से ही आप बच्चों को ड्राई फ्रूट्स दे सकते हैं। और बादाम कैसे दे सकते हैं सोचे तो, पाउडर के रूप में या फिर पीस के या कद्दूकस करके उनके खाने में डाल सकते हैं, और बड़े बच्चों को दिन में 3 से 4 दे सकते हैं, हम बड़े लोग 6 से 8 बादाम हर रोज़ खा सकते हैं। क्या इसे हर रोज़ दिया जा सकता है, देने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है, पर आप ही सोचिए इतने सारे सुपर फूड्स हैं, बादाम, खजूर, पिस्ता और हेल्दी फ्रूट्स हैं, बहुत सारे सुपर फूड्स अवेलेबल हैं जो हम रेगुलरली खा सकते हैं, और इन्हें भी सुबह सुबह लिया जाए तो बहुत ही न्यूट्रिशियस रहता है। और हाँ बता, अभी बात करते हैं सुबह सुबह लेने का बेनिफिट्स। अभी सुबह सुबह हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम रेस्टेड, वेल रेस्टेड रहता है और काम अच्छी तरह से कर सकता है, अब्जॉर्प्शन अच्छी तरह से न्यूट्रिएंट्स बॉडी में हो सकते हैं, तो इसीलिए इसे सुबह सुबह खाया जाता है। तो आशा है बादाम, भिगोए हुए बादाम को खाने की सारी डिटेल्स आपको मिल गई हैं। अगर कोई और क्वेश्चंस हैं तो प्लीज़ वीडियो के नीचे कमेंट करके बताइएगा। और हाँ, हम एक मिशन पे हैं, मिशन हेल्दी नेक्स्ट जन, और इसे पूरा करने के लिए हम सिंपल से ऐसे वीडियो बना रहे हैं कि हमारी जनरेशन और हमारी नेक्स्ट जनरेशन पैक्ड स्नैक्स जिसमें प्रिजर्वेटिव्स, केमिकल्स बहुत ज़्यादा है, और हमारा एनवायरनमेंट भी बिगड़ते जा रहा है, हर रोज़ आप देखें इतना पोल्यूटेड हुए जा रहा है, तो इस माहौल में हम जंक फूड बच्चों को ना दें और हेल्दी फूड ही दें, इसके लिए ऐसे छोटे मोटे वीडियोस डेफिनेटली आपको बेनिफिट होंगे। और अपने दोस्तों के साथ भी प्लीज़ शेयर कीजिएगा, हमें फॉलो करना मत भूलिएगा, और हम मिलते हैं अच्छे अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए शुक्रिया, नमस्कार और बाय।